तो दोस्तों, अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि टाटा ग्रुप की ER&D कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज अपना IPO लेकर आ रही है, जो कि 22 नवंबर को ओपन होने जा रहा है। और टाटा टेक्नोलॉजीज के IPO का जो लेटेस्ट GMP है, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो 350 तक जा चुका है। यानी कि IPO 350 रुपीज के प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है इसके IPO प्राइस से, जो कि करीब 70% का प्रॉफिट है। अब जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, ये कोई कंफर्म नंबर नहीं है कि इसी प्राइस पर IPO लिस्ट होगा, मगर ग्रे मार्केट प्रीमियम से ये अंदाजा लग सकता है कि IPO की इस समय मार्केट में कैसी डिमांड है। टाटा टेक का जो IPO है वो इस समय बहुत ज्यादा हाइप्ड है, सब जगह इसकी बात हो रही है। सारे न्यूज आर्टिकल्स, यूट्यूब या फिर किसी TV में आप देखेंगे तो इस पर बात हो रही है। और ये इस साल का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड IPO है, क्योंकि करीब 19 साल बाद टाटा ग्रुप की कोई कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है। इससे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का IPO 2004 में आया था, लेकिन अब इस IPO को लेकर मार्केट में हाइप के साथ साथ कंफ्यूजन भी बढ़ गया है, स्पेशली इसके शेयर होल्डर कोटा को लेकर। सो इस वीडियो में हम टाटा टेक के IPO से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करेंगे, जो आपको इस IPO में अप्लाई करने से पहले जानना जरूरी है। और इस IPO से जुड़े जो भी डाउट्स हैं और जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, उनको क्लियर करने की हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे। बस आप इस वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस में अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में ब्रीफली जानेंगे, क्योंकि अगर हम किसी IPO में अप्लाई कर रहे हैं, किसी कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हैं, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, हम इसकी पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे, और उसके बाद इस IPO से जुड़े इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में जानेंगे। फाइनली इस IPO को लेकर जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, उस पर हम बात करेंगे। सो टाटा टेक्नोलॉजीज 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करती है। अब टाटा टेक्नोलॉजीज नाम सुनकर ये लग सकता है कि ये कोई IT कंपनी है, लेकिन दोस्तों ये उस तरह की IT कंपनी नहीं है। ये टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडियरी है, और टाटा टेक मेजरली दो सेगमेंट्स में काम करती है, सर्विस सेगमेंट और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस। इनकी कोर सर्विसेज हैं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजिटल एंटरप्राइज सर्विसेज, एजुकेशनल ऑफरिंग्स, प्रोडक्ट एंड वैल्यू एडेड रीसेलिंग। मेजरली ऑटोमोटिव, एरोस्पेस इंडस्ट्री, हैवी मशीनरी एंड अदर इंडस्ट्रीज के लिए टाटा मोटर्स काम करती है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू में से 84.91% रेवेन्यू सर्विस सेगमेंट से आता है, जिसमें से स्पेशली 75.80% रेवेन्यू ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है। तो रेवेन्यू ब्रेकडाउन से हम ये कह सकते हैं कि ये मेजरली ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काम करती है। अब इस IPO से जुड़े इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो नवंबर 22 से लेकर 24 के बीच में ये IPO सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहने वाला है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो नवंबर 30 को है, और लिस्टिंग डेट जो है वो दिसंबर 5 है। इसका प्राइस बैंड है 475 to 500 रुपीज पर शेयर का। 30 शेयर्स का एक लॉट है। इशू साइज है 3042 करोड़ का, और ये पूरा का पूरा इशू ऑफर फॉर सेल है, यानी कि प्रमोटर्स अपना स्टेक यहाँ पर सेल कर रहे हैं। अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट बाय करना जरूरी है, और एक लॉट की प्राइस है 15,000 रुपीज, और मैक्सिमम आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं। 13 लॉट्स की प्राइस है 1,95,000। इसके अलावा अगर आप स्मॉल HNI कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 14 लॉट्स और मैक्सिमम 66 लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और बिग HNI कैटेगरी में मिनिमम आपको 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। टाटा मोटर्स इस कंपनी का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। उसके अलावा अल्फा TC होल्डिंग्स एंड टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड इसके इन्वेस्टर्स हैं, और ये तीनों ही मिलकर थोड़ा थोड़ा अपनी स्टेक्स को डाइल्यूट कर रहे हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास 2021 से लेकर सितंबर 2023 तक का फाइनेंशियल डेटा है। कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को अगर आप देखेंगे तो वो हर साल बढ़ा है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, EBITDA लगातार बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर 23 के बीच में जो नेट प्रॉफिट है उसकी ग्रोथ है 61.53% और सेल्स ग्रोथ है 36.23%। अगर आप प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो वो भी हर साल इंप्रूव हुए हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 20,283 करोड़ का। PE जो है वो इस समय 32.53 का है। तो इस समय जो वैल्यूएशन है वो काफी रीजनेबली प्राइस्ड है। अर्निंग पर शेयर है 15.37 रुपीज का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 20.87%। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 350 रुपीज है, जो कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस को 850 रुपीज बना देता है। अब इस IPO में अप्लाई करने से पहले कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनके पॉजिटिव पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो अगर आप कंट्री वाइज इसकी बिजनेस प्रेजेंस को देखेंगे तो 2023 में इंडिया से 35.14% रेवेन्यू आता है, यूरोप से 26.90% रेवेन्यू आता है, नॉर्थ अमेरिका से 19.26% रेवेन्यू आता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 18.71% रेवेन्यू आता है। यानी कि इनका जो बिजनेस है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड है, और ये किसी एक कंट्री पर डिपेंड नहीं करते हैं। अब अगर इनके दूसरे पॉजिटिव की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इलेक्ट्रिक कार के रिटेल सेल्स में टाटा मोटर्स टॉप ऑफ द लिस्ट है विद 144.54% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। और क्योंकि टाटा टेक जगुआर, लैंड रोवर और टाटा मोटर्स के लिए इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है, तो इसका बेनिफिट भी इनडायरेक्टली टाटा टेक्नोलॉजीज को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी एरोस्पेस,
डिफेंस सेक्टर के लिए भी काम करती है जो कि एवर ग्रोइंग सेक्टर है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी के वैल्यूएशंस अच्छे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इस समय अच्छा है। लेकिन इसके साथ हमें कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स को भी जानना जरूरी है। तो इस कंपनी का सबसे पहला रिस्क है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। 2023 में टोटल रेवेन्यू में से 57% रेवेन्यू जो है वो टॉप 5 क्लाइंट्स से आया है, जो हमें बताता है कि कंपनी का क्लाइंट बेस काफी कॉन्सेंट्रेटेड है और कुछ चुनिंदा क्लाइंट्स पर डिपेंडेंट है। यानी कि इन 5 क्लाइंट्स में से कोई भी एक क्लाइंट अगर इनको छोड़कर चला जाता है तो इनके रेवेन्यू में काफी बड़ा डेंट हो सकता है। दूसरा कि जैसे मैंने आपको बताया है कि इस कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो ऑटोमोटिव सेक्टर से आता है, और अगर आगे चल के ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्लो डाउन होता है और इनका जो सबसे बड़ा क्लाइंट है टाटा मोटर्स, उसमें आपको डिमांड में कमी आती दिखती है तो डायरेक्टली इनके बिजनेस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। इनका तीसरा रिस्क है इनका कॉम्पिटिशन। आप स्क्रीन पर इनके मेजर कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हैं, KPI टेक्नोलॉजीज, L&T टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी, ये 3 इनके मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि कई पैरामीटर्स पर टाटा टेक से अच्छा परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें ये भी चीज ध्यान रखना चाहिए कि इनके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो एग्जैक्टली सेम बिजनेस मॉडल पर काम नहीं कर रहे हैं। अब इस IPO को लेकर लोगों के मन में कुछ डाउट्स हैं, कुछ कंफ्यूजन हैं, स्पेशली शेयर होल्डर कोटा को लेकर। तो इस IPO में जो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए 10% कोटा रखा गया है। जिनके डीमैट अकाउंट में टाटा मोटर्स के शेयर 13 नवंबर के पहले होंगे, सिर्फ वही लोग इस 10% कोटा के लिए एलिजिबल होंगे। इसका मतलब है कि अगर आप 13 नवंबर के बाद टाटा मोटर्स के शेयर्स लेते हैं तो आप इस शेयर होल्डर कोटा के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। अब आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे? तो शेयर होल्डर कैटेगरी में क्या होता है कि अगर आप 2 लाख रुपए तक इसमें अप्लाई करते हैं तो आप बाकी कैटेगरी में भी अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप शेयर होल्डर कैटेगरी में 2 लाख रुपए से कम के लॉट बाय करते हैं तो आप रिटेल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं और आप HNI कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आपको जाननी चाहिए कि जो शेयर होल्डर कैटेगरी होती है उसमें लॉटरी बेस पर अलॉटमेंट नहीं होता है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल बेसिस पर हमें अलॉटमेंट मिलता है। मतलब अगर शेयर होल्डर कैटेगरी 10 टाइम सब्सक्राइब होता है और हमने 10 लॉट के लिए अप्लाई किया है तो यहाँ पर 1 लॉट हमें पक्का मिल जाएगा। अगर शेयर होल्डर कैटेगरी 15 टाइम सब्सक्राइब होता है और हमने 15 लॉट्स के लिए अप्लाई किया है तो भी हमें 1 लॉट यहाँ पर पक्का मिल जाएगा। और जो दूसरी कैटेगरीज होती हैं जैसे रिटेल कैटेगरी, HNI कैटेगरी, अगर ये ओवर सब्सक्राइब्ड होती हैं तो यहाँ पर आपको लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट मिलेगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक पैन कार्ड होल्डर एक ही बार अप्लाई कर सकता है। आपके पास हो सकता है 5 डीमैट अकाउंट हो तो आप 5ों से बार बार अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आपने अप्लाई कर भी दिया है तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने अलग अलग फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप अपने लिए या अपनी फैमिली में किसी के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा इस IPO से जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी उसको जानने के लिए आप मेरा WhatsApp चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा कोई भी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं 100% उसका आंसर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं जल्द मिलूंगा नई वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।